गई अरे 7 बज गई। अरे लेट हो गई रे बेचारी, वो जीजी बुलाई है, बोलेगी अभी तक नहीं आई। अरे अलार्म लगा के सोई थी, फिर भी कट्टे ही नींद ही नहीं खुलती, पता नहीं अब क्या बताएं। आप लोग ही बताइए, आपके यहाँ गर्मी के क्या हाल चाल है? अरे मेरे यहाँ तो गर्मी के मारे जान निकलती है, उधर 2 बजे तक तपन के मारे नींद ही नहीं आती, और इधर बताओ सुबह किसी के यहाँ जाना हुआ, कुछ अर्जेंट काम हुआ तो नींद ही नहीं खुलती जल्दी। बताओ 7 बज गए, सूरज सन पे आ गया, उसके बाद नींद खुल रही है, बताओ। वैसे एक बात पते की कहूँ, हमारी खुद की नींद तो खुलती नहीं, पर हम बहुओं को बोलते हैं 5 बजे से उठ, 5 बजे से उठ। लेकिन बहुओं के सामने नहीं बोल सकते, ऐसा मौका ना मिल जाएगा उनको बोलने का। अरे भूरिया गर्म पानी वानी देगी कि नहीं? लाए माँ जी, ये लीजिए माँ जी आपका कुनकुना पानी। वैसे माँ जी बात क्या है, आज आप जल्दी उठ गई, 8:30 के पहले कहाँ आप उठती हैं? अरे बहुरिया जरा धीरे बोलो, हमारे दर्शकों को पता ना चल जाएगा कि हम इतनी देर तक सोते हैं, हैं? अभी अभी हमने उनको बताया कि आज ही लेट हुए हैं गर्मी के कारण, नहीं तो हम 5 बजे सो के उठ जाते हैं। और एक तुम हो कि हमारी पोल खोलने में लगी हो। अच्छा अच्छा माँ जी माफ कीजिएगा, ऐसी बात है, अरे हमको क्या पता, पहले बता देती ना कि दर्शकों को नहीं बताना है ये सब। खैर छोड़िए, ये तो बता दीजिए आज आप जल्दी उठ क्यों गई हैं? अरे वो सरला जीजी है ना, उसकी लड़की को देखने आने वाले हैं, तुम तो जानती हो मैं कितनी मुँहफट हूँ, हर चीज़ एक एक चीज़ पूछ लेती हूँ, इसीलिए बेचारे ने बुलाया है, बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। बोली बहन आ जाना, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें पूछना, कम से कम तू रहेगी तो सारी चीज़ें पूछ तो लेगी, लड़का घर द्वार जगह जमीन सब संपत्ति, अरे ज़िंदगी भर के लिए लड़की को दे रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना दे देंगे किसी को। अब बेचारी वो अपने इतने मन से प्यार सम्मान से बुलाई है तो बताओ कैसे मना करें। बस वहीं जाना है, अभी तो 10 बजे आ जाएंगे, बताओ अभी हम सो के उठे हैं, देख लो 7:30 तो बज गए, नहाएंगे धोएंगे पूजा पाठ करेंगे, थोड़ा बहुत खा पी के भी जाएंगे, वैसे तो बहन ने कहा था कि यहीं खाना वाना, पर अच्छा लगता है क्या, वहाँ सब नाथ भाई आएंगे और हम भी वहीं खाएंगे, कौन सा बेचारी शादियाँ कर रही है, अभी तो बस देखने वाले आने वाले हैं, है कि नहीं? हाँ माँ जी बात तो आप सही कह रही हैं। अच्छा सुन, जल्दी से कुछ नाश्ता बना दे मेरे लिए, मैं बस जा ही रही हूँ नहाने, फ्रेश व्रेश होंगी नहाऊँगी धोऊँगी, और एक कोई अच्छी सी साड़ी भी निकाल दे मेरे लिए। क्या माँ जी आपके पास कितनी अच्छी अच्छी तो साड़ियाँ हैं, आप हमेशा मुझसे बोलते हो साड़ी निकाल दे साड़ी निकाल दे। अरे तो बोल रही हूँ तो निकाल देना, इतना क्या नाटक कर रही है, तेरे पास भी तो कितनी सारी साड़ियाँ हैं। अरे तो आप अपनी पहन के जाओ ना माँ जी, आप क्यों अपनी नज़र मेरी साड़ी पर जमाए रहते हो, जब भी नई साड़ी आती है सबसे पहले उसी की बोनी आप ही करते हो। अरे जब से शादी हुई तरस गई हूँ कि फ्रेश साड़ी पहन लूँ, आपकी उतारी हुई साड़ी पहनती हूँ। माँ जी अब आपकी उम्र हो गई है, हैं? यहाँ तो पहले बहू को पहनाना चाहिए अपनी साड़ी भी, यहाँ आप उल्टा कर रही हो, मेरी साड़ी भी आप पहन लेती हो, सबको दिखाई आती हो, और फिर मैं पहनती हूँ सब मुझसे पूछते हैं क्यों तूने अपनी सास की साड़ी पहनी। अरे अब मैं किसको किसको बताऊँ कि मेरी साड़ी थी जो सासू माँ ने पहन ली। बस कहीं जाती हूँ ना तो बस यही डर लगा रहता है, कोई बोलने ही वाला है, कोई बोलने ही वाला है, क्यों रे तेरी सास की साड़ी पहन ली तूने, अब आप अपनी साड़ी पहन के जाओ, हाँ नहीं तो अभी आप पहन के चले जाओगे और कल को उसकी शादी होगी तो बोलोगे बहू यही साड़ी तू पहन के जा, इतनी अच्छी तो है। चल चल अब ज़्यादा नाटक मत दिखा, साड़ी निकाल दे। नहीं निकालूंगी, और अगर निकालूंगी तो एक ही शर्त पे, आप मुझे उसके बदले नई साड़ी दिलाओगी। अरे बाप पागल हो गई है क्या, 2 घंटे में तेरी साड़ी पहनूंगी और उसके बदले में तुझे पूरी नई की नई साड़ी दिला दूँ, रहने दे इससे अच्छा तो मैं अपनी ही पहन लूँगी। हाँ वही तो, इसीलिए तो मैं कह रही थी, मुझे पता था अगर आपको साड़ी खरीदने के लिए बोलूँगी ना आप कभी भी मेरी साड़ी नहीं लोगे। अच्छा चल चल जा, ज़्यादा बातें ना बना, जल्दी से नाश्ता बना दे मेरे लिए। ठीक है बनाती हूँ, आ जाइए। लीजिए बहन जी कुछ खाइए, नाश्ता कीजिए, अभी आ रही है। अरे तुझे बुलाया था ना कि जल्दी आ जाना, अरे नहीं थोड़ा देर से खुली रही इसलिए लेट हो गई जी। कोई नहीं अभी तो आए ही हैं ना, बैठे ही हैं। हाँ देख और अपने हिसाब से बात कर ले, इसीलिए बुलाया तुझे, किनारे वाला जो बैठा वो लड़का है और वो लड़की की माँ है, उसे हार वार तो अच्छा ही पहनी है, हाँ अब जब सास ही पहनेगी तो बहू को तो पहनाएगी ही, थोड़ा बहुत तो कुछ घर में होगा ही तभी पहन के आई है। नमस्ते बहन जी, मैं सरला दीदी की खासम खास सहेली हूँ। अच्छा जी नमस्ते नमस्ते। मॉम जल्दी से मेरा लंच रेडी कर दो, मुझे वापस से शूट के लिए जाना है। अरे बेटा 2 मिनट चले जाना शूट पे, देखो कोई मिलने आया है।
नमस्ते आंटी जी। हेलो हैंडसम। हाय, यू आर सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। या आई नो, थैंक यू सो मच। मॉम, अब मैं जा रही हूँ, मुझे नेक्स्ट शूट के लिए रेडी भी होना है। ठीक है बेटा। तो अच्छा बेटा, आप करते क्या हो? काम करता हूँ आंटी, और क्या। अरे बहन जी, बुरा मत मानिएगा, इसकी आदत थोड़ी ना मजाक किया है। कोई बात नहीं। अरे मेरा मतलब है बेटा कि रोजी रोटी चलाने के लिए क्या काम करते हो जिससे तुम्हें पैसे मिलते हो? आंटी, मैं एक किराने की शॉप चलाता हूँ और वो मेरे पापा की खानदानी दुकान है, और इसीलिए मैंने कभी उसको छोड़ा ही नहीं और ना ही मैंने कभी नौकरी करने के बारे में सोचा। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है बेटा। अरे दूसरों की नौकरी करने से तो अच्छा अपना बिजनेस है, कम से कम अपने काम के अपने मालिक हम खुद तो होते हैं, किसी और का मुंह तो नहीं देखना पड़ता। क्यों बहन जी, सही कह रही हूँ ना? और क्या बहन जी। अरे पता नहीं आजकल के बच्चे नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं। अरे नौकर तो नौकर ही रहता है, भले वो सैलरी 1 लाख पाए या 4 लाख पाए। अब आप ही बताइए, हमारे घर में जो नौकरानियाँ आती हैं काम करने, माना कि हम उनको पैसे देते हैं लेकिन क्या इज्जत, बस वही होता है बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या शान समझते हैं। मैंने तो बोल दिया अपने बेटे से, तो 4 पैसे कम भी कमाएगा तो चलेगा, लेकिन हमने ना किसी की नौकरी गुलामी नहीं करनी, ना कभी तेरे पापा ने की और ना तुझे करनी है, और भगवान की दया से हम इतना कमा लेते हैं कि अपना रोजी रोटी घर अच्छे से खर्च चल जाए। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी सोच है आप लोगों की। अच्छा बहन जी, आप लड़की को बुला देते तो हम भी मिल लेते, देख लेते, फिर आगे की बात करते। अरे बहन जी, अभी तो देखी आपने लड़की, अभी आपसे नमस्ते करके गई। क्या, ये लड़की है आपकी? हाँ बहन जी, आप ऐसे क्यों शौक हो रही हैं? क्या कमी है क्या कुछ मेरी बेटी में? अरे नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है, मतलब क्या ही बोलूँ, नहीं अच्छी है। क्या बात है बहन जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं तो संकोच मत कीजिए, ये 1-2 दिन का रिश्ता नहीं जन्मों का रिश्ता है, है? अगर आप क्लियर बात कर देंगी तो हमें भी अच्छा रहेगा समझने में और अपनी बेटी को भी समझाने में। बहन जी वैसे तो बुरा मत मानिएगा, पर हमें ना एक संस्कारी बहू चाहिए थी, आपकी बेटी। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप गलत समझ रही हैं, मेरी बेटी के पहनावे पे मत जाइए, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, उसका काम मॉडलिंग का है इसलिए उसको ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। आप पूछ लीजिए किसी से भी मेरे मोहल्ले में, जो भी मेरी बेटी को जानते हैं वो उसकी तारीफ ही करेंगे। हाँ बहन जी, सरला बहन बिल्कुल सही कह रही है, बहुत ही सीधी और बहुत ही संस्कारी बच्ची है। अब देखिए उसका काम ऐसा है कि ये सब चीज़ें उसको पहननी पड़ती हैं, पहनावे पे मत जाइए, आपके घर को हमेशा जोड़कर भी रखेगी और आप सबको खुश भी रखेगी। देखिए बहन जी, जैसे डॉक्टर अपना यूनिफॉर्म पहन के अपने काम पे जाता है, वकील अपनी काली कोट पहन के जाता है, वैसे भी ये मॉडलिंग करती है हमारी बिटिया, तो वो भी अपनी यूनिफॉर्म ही समझ लीजिए, वो पहन के उसको जाना ही पड़ता है, काम काम की जगह है और बाकी घर परिवार अपनी जगह। अच्छा बेटा, तुम क्या कहते हो? जैसा आपको ठीक लगे मम्मी, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए बहन जी, आपके बेटे को तो एक नज़र में ही मेरी लड़की पसंद आ गई, और क्या चाहिए आपको? अरे जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। वो बात तो है, लेकिन आपने अपनी बेटी से पूछिए कि लड़का पसंद है या नहीं? अरे नहीं नहीं बहन जी, हमारी बेटी ऐसी नहीं है, उसने तो पहले ही कह दिया था कि मम्मी आपको जहाँ सही लगे, आप जिससे शादी करोगी मैं खुशी खुशी कर लूँगी, इसलिए आप उसकी तरफ से बेफिक्र रहिए। अरे वाह बहन जी, फिर तो सच में लगता है आपकी बेटी संस्कारी है, वरना आज के ज़माने में माँ बाप के कहने से किसकी लड़कियाँ शादी करती हैं। अच्छा ठीक है बहन जी, मेरी तरफ से फिर ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे वाह बहन जी, बधाई हो, और सरला बहन आपको भी। बस अब जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए, फिर बच्चों की शादी कर देते हैं, वो भी अपनी अपनी घर गृहस्थी संभालें। और नहीं तो क्या। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दें। ठीक है तो फिर अब हम चलते हैं, मुहूर्त आप निकलवा लीजिए, जैसा भी हो हम फ़ोन पे बात बता दीजिएगा। जी जी ज़रूर बहन जी, धन्यवाद। देखा दोस्तों, कभी किसी के कपड़े को देखकर कभी किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए कि वो इंसान कैसा है।